नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हमारे पुराने पर्दे, पुराने बेडशीट या दुपट्टे होते हैं, उनसे हम डीआईवाई करके अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं ना, उससे आप देखेंगे कि हमारे घर में कितना बदलाव आता है और आपका घर बहुत अच्छे से डेकोरेट भी होगा और ऑर्गेनाइज भी होगा, और पुराने जो हमारे कपड़े हैं वो यूज में भी आ जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम रीना है, मैं यहाँ पर होम मेकिंग वीडियोज, डीआईवाई डेकोर वीडियोज लेकर आती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियोज का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। भी मेरे घर के काम जल्दी निपट जाते हैं तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। इस बीच में मैं तो या अपनी YouTube की वीडियो शूट करती हूँ, DIY करती हूँ, या मैं किसी कॉर्नर की क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन में करती हूँ। ऐसे में अपने बेड की क्लीनिंग कर रही थी तो वहाँ पर मुझे पुराने कर्टन्स मिले, तो इनका फैब्रिक ना बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये हमारे पहले के पर्दे हैं और यहाँ पर ये अच्छे से फिट नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनसे अपने सोफे के कवर बनाए जाए। तो सबसे पहले हमारा जो सोफ़ा है वो एल शेप में है, मैंने उसका मेजरमेंट किया, उसके हिसाब से मैंने इसमें जो है कटिंग करी है। और मैं बनाने वाली हूँ जो नीचे का जो सेटिंग एरिया है वहां के लिए मैं कवर बनाने वाली हूँ, ऊपर की तरफ हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले देखा था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो चारों तरफ मैंने कपड़े को फोल्ड करके सीधी सीधी मैंने इसमें सिलाई लगाई है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और इसके बाद जो हमारा बीच वाला जो कर्व था वहां पर भी हमने उसको ट्रायंगल में ही उसमें सिलाई की है। यहाँ पर ये मेरे पास कपड़ा है, हमने डाइनिंग टेबल का जो सेट है ना उसके साथ में आया था नैपकिन्स, और इसका हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जो मेरा कुशन है ना उसके साइज़ का ये है, और मैंने इसके जो पीछे की तरफ है ना उसके लिए मैंने एक ब्लैक कलर का मेरे पास कपड़ा था, ये ब्लाउज़ का पीस है जिसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी ब्लाउज़ बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसको भी मैंने जो है कट करके उसके साइज़ में, और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ, उसके बाद जहाँ से बीच से हमने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे कि इसमें हमें जिप भी नहीं लगानी पड़ेगी और कोई बटन भी हमें इसमें नहीं लगाना है, हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे और जो आपका कुशन है वो बिल्कुल निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे रख के इसको चारों तरफ सिलाई लगा दी, बहुत ही सिंपल तरीका है ये कुशन बनाने का, आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट कुशन कवर आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कपड़ा भी यूज़ में नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से, और आज मैंने इसका कुशन बना लिया है। तो इसी तरह से पुराने कपड़ों को हम जो है रीयूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके लिए बनाएंगे टेसल्स। टेसल्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, उसके बाद हम धागे को अच्छे से लपेट लेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल के सेंटर में ना हम इसे टाइट अच्छे से बांध लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको बांधना है ताकि ये खुले नहीं। इस तरह के ना टेसल्स आपको अमेज़ॉन में या फिर आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, इसकी जगह आप पॉम्पम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे टेसल्स हमने बना लिए हैं ग्रीन और ऑफ वाइट के। इसके बाद ना ऊपर से मैं इसको फिनिशिंग दे रही हूँ, तो अच्छे से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, और जो हमने सोफे के लिए कवर बनाया था उस पर हम इसको सुई धागे से स्टिच कर लेंगे, देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो इससे पहले ना मैंने अपने सोफे की जो है अच्छे से डीप क्लीनिंग मैंने कर ली थी, क्योंकि ना उसमें बारीक बारीक इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है जिसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, देखने में तो साफ लगता है और बच्चे उसमें कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कवर बना रही हूँ। तो मैंने अपने सोफे की जो अच्छे से क्लीनिंग है उसके लिए मैंने परचेज किया है वैक्यूम क्लीनर, और ये अगारो का बैकलेस वैक्यूम क्लीनर है, 1600 वॉट का है, 1 ईयर की वारंटी के साथ मिलता है। अगर आप एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं तो आप अगारो का बैकलेस वैक्यूम क्लीनर आप ले सकते हैं। वेरिएबल सेक्शन कंट्रोल है, साइक्लोनिक सेक्शन सिस्टम है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ और मुझे पसंद आता है तो उसके रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। अगर आप ले रहे हैं कोई अच्छा वैक्यूम क्लीनर तो आप ये परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह की बुकलेट मिलेगी, इसमें सारा इसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ है कैसे इसे यूज़ करना है, इसके जो भी टूल्स हैं उसके बारे में, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इसको यूज़ करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो यहाँ ये टूल्स हैं तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको इस तरह की ट्यूब रॉड मिलेगी, तो यहाँ पे एक बटन है उसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाती है, आप इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्लोर ब्रश मिलता है, और इसके नीचे ना ब्रशल्स हैं, जब आप ये बटन प्रेस करेंगे ना तो इसके जो ब्रशल हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर आपको व्हील्स मिलती हैं छोटी सी, जो मूव करेंगी आपके फ्लोर में या फिर आप कारपेट में कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपको इसको मूव करना, बहुत ही हैंडी है ये। इस तरीके के नोज़ल आपको एक मिल जाएगा और एक प्रेशर वाला आपको मिल जाएगा। कैसे यूज़ करना है आगे मैं आपको बताती हूँ। होज कनेक्टर आपको मिलता है जो बहुत ही आराम से जो है आप इसको लॉक अनलॉक आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एयरफोर्स आपको एडजस्टर आपको मिलता है और इसके बाद आप देखिए इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही इतना ज़्यादा मतलब कि हैंडी है। आप इसको आराम से इजीली आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसमें व्हील्स दी हुई हैं जिसे आप फ्लोर पे आराम से यहाँ से वहाँ आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर स्विच है और इधर आपको कॉर्ड रिवाइंड बटन आपको मिलता है। तो ये देखिए हम इसको जो है इस तरीके से जो इसकी वायर है उसको निकाल लेंगे और बटन को प्रेस करते ही सारी वायर जो है ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर इसको आप कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं, मिनिमम से मैक्स आप कर सकते हैं। और सबसे जो मेन इसकी मुझे बात अच्छी लगी है ना, वो है जो इसका डस्टबिन है जहाँ पर सारी जो हमारी धूल गंदगी इसमें इकट्ठा होती है उसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत अच्छे से निकल जाती है। पीछे यहाँ पर ये फिल्टर है और इसको जब आपका पूरा जो डस्ट है उसमें आ जाएगी ना तो उस फिल्टर को निकाल के आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको ये बटन आपको प्रेस करना है तो जो ये ओपन हो जाता है और जितनी भी डस्ट है जितनी भी गंदगी है इसके अंदर जमा होती है ईजिली आप उसको निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। और ये देखिए इसको निकालना लगाना कितना आसान है, बस आपको प्रेस करना है और ये देखिए बिल्कुल ये अच्छे से लग जाता है। तो बहुत ही हैंडी है, देखिए आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको चला के आपको दिखाते हैं। तो आपको इसके अंदर डालना है और यहाँ पर एरो दिया हुआ है ना, तो एरो को आपको इस तरह से मूव करना है तो लॉक अनलॉक ये ईजिली हो जाता है। यहाँ पर जो ये केबल वायर है ना, ये 5 मीटर की आपको मिलती है, तो आप इसको दूर दूर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। जो रेड मार्क है वहीं तक ही आपको इसको खींचना है। तो चलिए अब इसको चला के हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पहले जो नैरो नोज़ल, इसके साथ जो ब्रश मिलता है इससे आप जो बिल्कुल कॉर्नर वाली जो जगह होते हैं, जो ड्रॉर्स की एजेस वगैरह जो जगह होती है ना, उसको अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो कॉर्नर्स होते हैं इसमें बहुत सारी जो है डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, तो अच्छे से क्लीन कर लेता है। अब जो हमारे कर्टन्स हैं वो बहुत दूर तक होते हैं, हाथ नहीं पहुँचता है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये वाली जो रॉड है ना, इसको आप फिक्स कर लीजिए आगे, तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना ब्रश लगा सकते हैं। ये स्मॉल ब्रश है, इससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं कर्टन्स की, शेल्फ की, बुक्स की और जो लैम्प्स एंड अदर जो डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारी जो है डस्ट है और कैसे ये जो है बिल्कुल मिनटों में ये क्लीन कर लेगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है। तो इस तरीके से आप सेल बुक्स वगैरह इससे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है एंड इधर की साइड आप देखिए अभी बहुत ज़्यादा ये डस्ट है, तो बहुत अच्छे से ये जो है इसकी जो सक्शन पावर है बहुत ही अच्छी है, अच्छे से ये जितनी भी डस्ट है धूल है अच्छे से जो है ये सक कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे फ़ोन क्लीन कर लिया, इसमें बहुत सारी ऐसी डस्ट होती है, आप इस तरह के जो भी आपके छोटे छोटे जो होम डेकोर आइटम्स होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, आपके लैपटॉप हो गए कंप्यूटर हो गए उसको आप अच्छे से इस ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। ये फ्लोर ब्रश है और इससे मैं अपने सोफ़े को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है सोफ़े में, तो इस सारी डस्ट को अच्छे से ये खींच लेता है। और जब मैं इसका पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद जब इसका हम डस्टबिन ओपन करेंगे ना, तो आप देखिएगा इतनी ज़्यादा इसमें डस्ट आने वाली है, छोटे छोटे जो बारीक धूल होती है ना वो अच्छे से ये सब सारा जो है खींच लेता है। तो यहाँ पर हम अपने कारपेट को भी इससे अच्छे से हम इसमें क्लीन कर लेंगे और बहुत आसान है इसको यूज़ करना, बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, आप इसको अपने घर की जो है क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी इसमें पावर है कि ये जो जितनी भी डस्ट है जितना भी कूड़ा है अच्छे से जो है खींच लेता है। ये देखिए आप मतलब सेकंड नहीं लगते हैं और आपका जो फ्लोर है वो एकदम क्लीन हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये काम करता है एंड यहाँ पर आप जो अंदर के एरिया होते हैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।
यहाँ पर एरो दिया हुआ है, तो आप इस तरह से घुमाएंगे ना तो ये अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद हम इसके डस्टबिन को भी निकाल लेंगे। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, लॉक में बना हुआ है अनलॉक, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो सारा जितना भी डस्ट है ये निकल जाएगा। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा पूरे घर की धूल मिट्टी निकल गई है। वैक्यूम से ना पूरे छोटे छोटे जो बारीक धूल होती है ना वो भी अच्छे से निकल जाती है। इसको आप पानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फिल्टर है उसको निकाल के, एंड इसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो मेरे सोफे हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, पूरा घर क्लीन हो गया है। और जो हमने DIY करके पुराने पर्दों से जो हमने सोफे के कवर बनाए थे उन्हें मैं लगा रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बनने के बाद। पहले मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे लगेंगे, लेकिन सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो हमने कुशन कवर बनाए थे वो भी मैं लगा देती हूँ, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। और हम ना घर की कितनी भी सफाई कर ले तो मुझे लगता है कि वैक्यूम क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है। जो छोटी छोटी धूल मिट्टी होती है ना वो कितना भी आप साफ सफाई कर लो ना वो जाती ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वैक्यूम क्लीनर। और सच में जब से मैंने ये वैक्यूम क्लीनर लिया है ना मेरे घर में अब मुझे नहीं रहता है कि धूल मिट्टी कैसे साफ होगी, मिनटों में साफ सफाई हो जाती है। और ये देखिए फाइनल लुक मेरे लिविंग रूम का। तो पुरानी चीज़ों से हम देखिए इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस ला के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक जिसका कपड़ा बचा था ना उसको मैं यहाँ पर डेकोरेट कर लूँगी। मैंने एक रनर बनाया था, तो अच्छे से पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे यहाँ की क्लीनिंग करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर इसको हम बिछा लेंगे। इसको मैंने साइड से बस कट करके इसमें सिलाई लगा दी थी, और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसी तरीके से पुराने हम ना जो हमारे दुपट्टे हैं जो बेडशीट है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी डाइनिंग टेबल, ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, और 4 सीटर में ना इससे बड़े साइज में आती है, लेकिन इसका साइज जो है थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए ना ये जो सिंगल बेड की बेडशीट होती है थोड़ा सा भारी लगती है। और ये वाली बेडशीट इस तरह की कॉटन की कोई भी बेडशीट हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल में बिछाने के लिए, या फिर अपने सोफे के कवर भी आप उससे बना सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे एक ट्रे रखा है, एक फ्लावर वास रखा है। और कैसा लगा आपको ये आइडिया प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। इस तरह से आप पुराने दुपट्टे या नए दुपट्टों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टॉल था उसको मैंने यहाँ पर लगाया है, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं है मार्केट से हम महंगे महंगे जो है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए सामान लेकर आएँ, जो घर पर है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ना जो ब्रॉकेट वाले दुपट्टे हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, तो कैसे लगे आपको आज के ये आइडियाज? तो काफी टाइम से मैं सोच रही थी जो हमारे पुराने पर्दे हैं कैसे मैं उन्हें यूज करूं, और जब मुझे ये आइडिया आया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में भी जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज हमें एक दूसरे से ही मिलते हैं। मैं भी ऐसे ही पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मैं देखती रहती हूँ, और वहां से मैं काफी सारे मुझे आइडियाज मिलते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इस छोटे से चेंज से मेरा पूरा लिविंग रूम का जो लुक है ना वो पूरा ही चेंज हो गया है, देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। मेन जो बात है ना इसमें कलर कॉम्बिनेशन की है, कि आपको कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस कलर के साथ हमें कौन सा कलर मिक्स करना चाहिए। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया है ना तो आप कुछ भी क्रिएटिव आप कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। मेरे घर में तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात ही नहीं होगी। एंड गाइस चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, मेरे बाकी की वीडियोस को वॉच करते रहिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा तो गर्मी हो रही है ना, कोको हो रही है ना, लेकिन इसको जो है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और इसको मेरे पैरों पे आना है कि ऊपर चढ़ाओ, मुझे गोदी पकड़ना है, ये देखो। तो चले इसको मैं अंदर देख के आती हूँ, किसे लग रही है गर्मी, तो मैं अभी आती हूँ, इसको पहले मैं देख के आती हूँ।